उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिविल कोड के लिए दूरस्थ इलाकों के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सिविल कोड के लिए जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी के लोग दूरस्थ जो इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां जाकर सुझाव ले रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। बड़ी खबर, उत्तराखंड से सिविल कोड लागू करने की कवायद जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में इस कोड को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोगों के सुझाव ले रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी फोनलाइन पर जुड़े हैं। तारिक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद इस समय जोरों पर है उत्तराखंड में। पल्लवी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए लगातार जो है कमेटी दूरस्थ इलाकों में जाकर लोगों के जो है मत ले रही है कि आखिर क्या इस कानून में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सुझाव देने की राय रखी गई, जो तारीख रखी गई थी वो 7 अक्टूबर थी, जबकि इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी सिविल कोड के लिए अब कोई भी व्यक्ति अपनी राय 22 अक्टूबर तक दे सकता है। समिति ने ये फैसला जो लिया है सोच समझ कर लिया है कि आखिर अगर कोई व्यक्ति अपनी राय नहीं दे सका है, किसी कारणवश नहीं दी है उसने, तो 15 अक्टूबर तक अपनी राय दे सकता है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जो यूपीसीसी लागू होगा वो पहला ऐसा राज्य बनेगा जिस किसी राज्य में ये कानून लागू होगा, यानी समान नागरिकता का कानून उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा और बहुत जल्द यहाँ पर जो है कानून लागू हो जाएगा। पल्लवी, दूरस्थ इलाकों में जाकर कमेटी जो है लोगों के सुझाव ले रही है, अभी तक कौन कौन से ऐसे इलाके हैं तारिक जहाँ पर कमेटी के लोग पहुंचे और लोगों से बातचीत की? जी, मैं आपको बता दूं, जो कमेटी के लोग हैं वो लगातार दूरस्थ इलाकों में जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड जो भारत का बल्कि अंतिम गांव है माणा, जो ऊपर पहाड़ों पर पड़ता है चमोली के बिल्कुल बॉर्डर पर, वहां पर भी जो है कमेटी पहुंची है इसके इलाके। इसके अलावा जहां पर दूरस्थ इलाके हैं पहाड़ों के, जहाँ पर लोगों के पास कुछ सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जहाँ से लोग अपने जो है राय नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कमेटी को महसूस हुआ गया यहाँ पर लोगों की राय लेनी चाहिए, खासकर महिलाओं की, बच्चों की, तो कमेटी वहाँ पर जाके अपनी राय ले रही है ताकि लोगों की राय वो अपनी जो उनकी जो अपने जो कानून बनेगा उसमें सम्मिलित कर सके और उन राय को जो है पढ़ सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कानून जो होगा समान नागरिकता का कानून होगा, यानी जो पर्सनल कानून, जो पर्सनल लॉ होते हैं, पर्सनल कानून होते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, हिंदू पर्सनल लॉ होता है, इसके अलावा क्रिश्चियंस का भी पर्सनल लॉ है, तो तमाम कानून एक जगह कर दिए जाए। इसके अलावा जो महिला पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है, जो रिश्तेदारी का भेदभाव होता है, जो दान दहेज का भेदभाव होता है, जो मैं आपको बता दूं, जो जब बंटवारा होता है तो महिलाओं को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, तो इस कानून को लागू होने के बाद जो है एक समान अधिकार सबके होंगे। तो इसी के चलते कमेटी लगातार दूरस्थ इलाकों में जाकर जो है लोगों की राय ले रही है, ग्रामीणों की राय ले रही है। पल्लवी, चलिए शुक्रिया तारिक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।